एक टॉपिक है या एक एलजेब्रा है, जैसे वेक्टर एलजेब्रा होता है, ऐसी एसी चैप्टर में एक एलजेब्रा जिसका नाम है फेजर एलजेब्रा। ये फेजर एलजेब्रा क्या होता है? फेजर एलजेब्रा ये है कि जैसे मान लो आपके पास ये ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर वोल्टेज भी हो सकती है, ए वेक्टर करंट भी हो सकता है, कुछ भी। एक वेक्टर ए वेक्टर है और इसका ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे ए है और वाई एक्सिस पे बी है। अब मुझे ये पता है कि जो बी कंपोनेंट है वो ए कंपोनेंट से 90 डिग्री आगे है एंटी क्लॉकवाइज। बी कंपोनेंट ए कंपोनेंट से 90 डिग्री आगे है एंटी क्लॉकवाइज। तो फेजर एलजेब्रा इसको ऐसे लिखता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ये वेक्टर नॉर्मल एलजेब्रा नहीं है कि ए आई कैप बी जे कैप, अगर यही होता फिर मैं क्यों कराता। इसमें ऐसा है कि ए ए का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है बाय डिफॉल्ट, और पीछे क्या लिखा, जे बी, जिसके पीछे जे फैक्टर लग जाता है जे, इसका मतलब इस एलजेब्रा में होता है कि वो 90 डिग्री आगे है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो ए और बी 90 डिग्री आगे है ए से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ए का ए और बी 90 डिग्री आगे एंटी क्लॉकवाइज, ये पढ़ने का तरीका है। इसे नॉर्मल एलजेब्रा नहीं है, ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है ये। पॉइंट नंबर वन क्लियर है। पॉइंट नंबर टू, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ ए का, तो ए का मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, दैट्स इट। और टेन फाई क्या होगा इसमें, बी अपॉन ए। अब आप कहेंगे ये काम कैसे आएगा, पहले इस पॉइंट को समझ लें। व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जे ऑपरेटर, जब ए वेक्टर को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, अ न्यू फेजर जे ए वैक्टर निकल आएगा, इज ऑप्टेंड विच विल बी 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम ए वैक्टर। किसी भी वैक्टर को जे से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री आगे की तरफ चला जाता है वो। अब यानी कि जे ए वैक्टर 90 डिग्री आ गया ए वैक्टर से, फिर वो कहते हैं काम करो जे को फिर जे ए वैक्टर से मल्टीप्लाई करो। अब जे ए वैक्टर को जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और 90 डिग्री आगे चला जाएगा, तो जे मल्टीप्लाई करने से 90 डिग्री आगे, एक बार और जे मल्टीप्लाई करने से और 90 डिग्री आगे, तो यानी कि 180 डिग्री आगे हो जाएगा। तो इसको जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जे स्क्वायर ए वेक्टर। पॉइंट क्लियर है यहां तक? दो बार जे स्क्वायर का मतलब 90 और 90 आगे। और मैथ्स में जैसे आयटा होता है ऐसे ही आयटा ही है, जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। तो जे स्क्वायर ए वेक्टर का मतलब माइनस वन ए वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर का मतलब अगर ए वेक्टर इधर है तो माइनस ए वेक्टर 180 डिग्री पीछे नेगेटिव वेक्टर बन गया। तो ये आपका फेजर एलजेब्रा है और जे यहाँ पर माइनस वन का अंडर रूट है। अब काम कैसे आएगा, जैसे मान लो आपको सीरीज एलआर सर्किट सॉल्व करना है, आपको क्या सीरीज एलआर, ये तुम करके आए हैं, कैसे करके आए हैं? अगर मैं आपको सीरीज एलआर सर्किट देता हूँ तो एनसीईआरटी हमने कैसे किया था, इसकी इंपीडेंस क्या थी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यही थी ना। फेजर एलजेब्रा इसको कैसे करता है, फेजर एलजेब्रा में ये मान लो वी आर है, ये मान लो वी एल है, ऐसे डायग्राम था, तो वी क्या होगा, नेट ईएमएफ क्या होगी, वी आर का वी आर और वी एल के आगे जे, क्योंकि वी एल जे और 90 डिग्री आगे है वी आर से। तो पहला स्टेप क्लियर है। मान लो सर्किट में आई करंट है तो ओम लॉ लगाओ, आई इंटू आर, ओम लॉ लगाओ आई इंटू एक्सएल, आई कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा वो जेड है, तो जो बचेगा जेड वो इसके इक्वल आएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो हमें ऑलरेडी पता ही था। तो ये एलजेब्रा मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि आप एलजेब्रा सीखें, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपको ये एलजेब्रा सीखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी एल आर एल सी आर सर्किट करना आता है, हमने एन सी आर टी के दूसरे मेथड से किया हुआ है, हम फेजर एलजेब्रा को यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपकी ऑब्जेक्टिव बुक्स इसको यूज़ करती दिखाई देंगी, आप मत करना चाहे, आप अपने नॉर्मल फॉर्मूला से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके नॉर्मल फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि कई बुक्स की आदत है फेजर एलजेब्रा को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करती हैं, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है? तो मतलब अगर आप मुझे पूछोगे सर आप इसको यूज़ करते हैं, नहीं मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं नॉर्मल अपने जैसे मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए मैं वैसे यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो जैसे सीआर सर्किट है, अब सीआर में क्या होता था, ये वीआर है और वीसी पीछे होता था, आगे होने का मतलब जे, पीछे होने का मतलब माइनस जे, ओम लॉ से ये आई इंटू आर, ओम लॉ से आई इंटू एक्ससी, आई कॉमन आ गया, जो बचा वो जेड, जो बचा इसमें ये बचेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर का स्क्वायर और वन बाय सी ओमेगा का स्क्वायर। तो इम्पीडेंस तो हमें पता ही है क्या होती है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है।
LCR है, LCR में VR है, VL 90 डिग्री आगे है, VC 90 डिग्री पीछे है। हमने तो वेक्टर से कर दिया था ना, J लगाया ही नहीं था, तो ये मैथमेटिकल कर रहा है। ओम लॉ, आई इन टू आर, आई इन टू एक्सएल, आई इन टू एक्सी, आई कॉमन, जो बचा वो Z, तो इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, तो ऑलरेडी किया हुआ है, अपने को ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक?